सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आज के सफ़र में हम आपको लेके चल रहे हैं जायस, जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले का एक नगर पालिका बोर्ड के साथ साथ एक शहर भी है। रायबरेली से यहाँ की दूरी 31.7 किलोमीटर NH 128 से होकर पड़ती है। 2011 की जनगणना के हिसाब से इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 26,735 है। इस शहर में बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू है। पुरुषों की आबादी 52% और महिलाओं की आबादी 48% मानी जाती है। जायस के अंदर आपको राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जैस में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा दिया गया है और IIT के लिए उपलब्ध एक शासन संरचना के समान है। यह उन छात्रों की रैंक सूची से स्नातक छात्रों को स्वीकार करता है जिन्होंने जी परीक्षा में उत्तीर्ण स्थान प्राप्त किया है। जायस के अंदर अगर हम परिवहन की बात करें तो भारतीय रेलवे नेटवर्क पर जायस के दो रेलवे स्टेशन हैं, बहादुरपुर और कासिमपुर हाल्ट। बस स्टेशन सुल्तानपुर रायबरी रोड पर है। निकटतम हवाई अड्डा फुर्सतगंज एयरफील्ड 19.3 किलोमीटर दूर है और निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर के एक प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, जिन्होंने पद्मावत और अखरावत लिखी थी। पद्मावत में जायसी ने चिश्ती सूफी मास्टर सैयद अशरफ जहांगीर सेमनानी और उनके वंशजों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की थी। उनकी याद में जायसी समर का निर्माण किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि आधुनिक जायस का एक महत्वपूर्ण मूल निवासी झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षमताओं में सेवा की है। इसके बाद आपको बता दें कि जायस की ही रहने वाली लीला मिश्रा जी, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री थी, उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, विशेष रूप से बॉलीवुड के क्लासिक शोले में मौसी की भूमिका निभाई थी। नदिया के पार में उनका एक और जाना माना काम है। आपको बता दें कि जायस काफ़ी डेवलप कस्बा है, तो यहाँ पर आपको छोटी से बड़ी हर ज़रूरत की वो चीज़ें मिल जाएंगी।